नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई एक खबर आ रही है, वो खबर बैंकिंग सेक्टर से, और ये काफ़ी चिंता वाली बात है। दरअसल दोस्तों, ये खबर है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, मतलब ये समझ लीजिए कुछ चीज़ें बैन कर दी हैं। अब ये जब बैन कराया तो इससे कस्टमर्स का भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं उस बैंक का तो नुकसान है ही है। दोस्तों, आइए समझते हैं पूरी चीज़ विस्तार से कि आखिर न्यूज है क्या, उससे एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बैंक पर क्या असर पड़ा है, उसके शेयर पर क्या असर पड़ रहा है, और क्या ये चीज़ें पहले कभी हुई हैं। समझते हैं पूरी चीज़ें डिटेल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी खबर आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर एक तरह का रिस्ट्रक्शन लगा दिया, एक बैन लगा दिया। बैन इस चीज़ पे लगा दिया है कि कोटक महिंद्रा बैंक अब नए कस्टमर को अकाउंट नहीं खोल सकता है, नए कस्टमर्स का, ना ही अब नए क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। दोस्तों, ये दो चीज़ों पर बैन लगा दिया गया। अब ये समझ लीजिए कि ये जो कोटक महिंद्रा बैंक का जो काम था, ये 95% लोन ये जो देते थे, पर्सनल लोन, ये अपने डिजिटल के माध्यम से देते थे, आईटी के थ्रू। और इनका जो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस था, ये तो 99% डिजिटली हुआ करता था, उसी से चलता था। अब दोस्तों समझते हैं कि इनके ऊपर ये बैन लगाया क्यों गया है। दोस्तों, दरअसल ये बैन कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर इसलिए लगा दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्योंकि इनके यहाँ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसमें कुछ फ्लॉस थे, कुछ कमियाँ थी, जिसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार 2 सालों से इनको बोल रहा था इसको सही करिए। उसके लिए उसने करेक्टिव एक्शंस भी बताए थे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं जिससे आपके यहाँ कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोटक महिंद्रा बैंक उन चीज़ों को करने में असफल रहा है, पूरी तरह से वो कर नहीं पाया। तो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज इस पर बैन लगा दिया, उसने बोल दिया कि अब आपको नए कस्टमर ऑनबोर्ड नहीं करने, मीन्स नए अकाउंट नहीं खोलने, नए कस्टमर नहीं जोड़ने, ना ही आप नए क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे, क्योंकि किसी भी कस्टमर का भरोसा तभी आता है जब उसका बैंक सिक्योर होता है। जब उसको पता लग जाए कि इनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है तो उस कस्टमर के मन में डर आएगा। अब दोस्तों समझते हैं कि ये ऐसा हुआ क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये बैन लगा दिया गया। आईटी की चीज़ें तो समझ में आ गई कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर था। दरअसल दोस्तों, अभी 15 अप्रैल को कोटक महिंद्रा के बैंक में जो लॉगिन करना चाहते थे, यूपीआई ट्रांसफ़र करना चाहते थे, इन सब चीज़ों को करने में इशूज़ आ रहे थे, लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे थे। तो इसकी वजह से उनके जो कस्टमर्स थे उन्होंने ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर लिखनी स्टार्ट कर दी। सोशल मीडिया पर जब लिखना स्टार्ट किया तो अब इन सब चीज़ों के लिए आरबीआई को एक्शन में आना पड़ा, और आरबीआई ने इन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब आप नए कस्टमर्स को अपने यहाँ अकाउंट नहीं ओपन करेंगे नए कस्टमर्स का, एंड साथ ही साथ आप क्रेडिट कार्ड भी नहीं इशू करेंगे, क्योंकि आपका मेन बिजनेस डिजिटली है इन सब चीज़ों में, इसलिए आप ये नहीं करेंगे। ये समझ लीजिए दोस्तों, इतना अच्छी चीज़ थी कोटक महिंद्रा बैंक की। इन्होंने ईयर टू ईयर अगर बात करें तो इन्होंने 52% की बिजनेस में ग्रोथ पाई थी, ये आईटी के थ्रू, डिजिटल बिजनेस के थ्रू, जिसमें पर्सनल लोन होते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं, 52% की ग्रोथ बहुत होती है। ये किया था, काफ़ी अच्छा कर रहा था कोटक महिंद्रा बैंक, लेकिन उसके साथ ये दिक्कत आई तो उससे उसको नुकसान हो गया और इसके ऊपर बैन लगा दिया गया। अब दोस्तों, जब बैन लगा दिया गया तो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आती है एग्जिस्टिंग कस्टमर को, उसका जो कस्टमर्स होते हैं उनका विश्वास कम हो जाता है बैंक के ऊपर से। अभी सोचिए, नए कस्टमर के ये अकाउंट नहीं खोलेंगे और नए क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे, लेकिन पुराने कस्टमर्स का क्या, उनके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई सोल्यूशन नहीं दिया। इशूज़ तो पुराने वाले कस्टमर को है ना, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, कि वो अपना लॉगिन नहीं कर पाना, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। आगे आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनके लिए रोक लगा दी,
अब इसका क्या लॉजिक है ये तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही ज़्यादा अच्छे से समझ सकता है। और सोल्यूशन देना था तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को देना चाहिए था, उनके साथ जैसा जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। अब दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के लिए क्यों शॉकिंग हो गया? अब उसको नया बिजनेस नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसके साथ ये आएगी कि नया बिजनेस नहीं मिल रहा है और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं ये भी अब जाएंगे, काफ़ी हद तक तो चले जाएंगे क्योंकि उनको अब विश्वास नहीं होगा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनको लगेगा कि नहीं मेरा अकाउंट जो है यहाँ पे सिक्योर नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही साथ एक और दिक्कत आई, जब ये सारी चीज़ें हुई तो इनके शेयर का प्राइस भी 11% नीचे गिर गया। इनका अब जो 11% का नीचे हुआ ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया कोटक महिंद्रा बैंक का। तो कहीं ना कहीं ये कोटक महिंद्रा बैंक के लिए तो चिंता की बात है ही है, साथ ही साथ दूसरी बैंकों के लिए भी ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर उनका भी कहीं फ्लॉज हुए उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में दूसरी बैंकों के, तो उनके साथ भी ये एक्शन लिया जा सकता है। दोस्तों क्या ये इस तरह का कोई एक्शन पहले आरबीआई ने लिया है किसी और बैंक के ऊपर? तो दोस्तों आपको बता दें बिल्कुल समय समय पर आरबीआई इस तरह के एक्शन लेती रहती है। अगर बात करें प्राइवेट सेक्टर के जो सबसे अच्छी बैंकों में से एक है एचडीएफसी बैंक, तो 2020 में इसी तरह का कुछ एक्शन एचडीएफसी बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगा दिया था, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक के लिए भी तकलीफ वाली बात हो गई थी। फिर उसके बाद 2022 तक दो बार में उसकी ये सारी चीज़ें रिजॉल्व हो गई और उसके जो बैन लगे थे वो हटा लिए गए। उसके यहाँ भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड प्रॉब्लम थी, पहले पार्शली बैन को लिफ्ट किया गया और 2022 में कंप्लीट बैन लिफ्ट कर लिया गया। ये तो एचडीएफसी बैंक की बात थी और वो प्राइवेट सेक्टर का है, कोटक महिंद्रा भी प्राइवेट सेक्टर का है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सेक्टर जो नेशनलाइज बैंक है गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे भी ऐसा ही कुछ इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी। ये लगाई थी अक्टूबर 2023 में, लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद से ये बैन आज भी लगा हुआ है, इन्होंने ये लिफ्ट नहीं किया, ये उठाया नहीं है, ऐसा ही लगा हुआ है। तो और अभी एक नया ये आ ही चुका है कोटक महिंद्रा बैंक का। दोस्तों इससे कहीं ना कहीं कस्टमर का भी नुकसान है, कस्टमर जाए तो जाए कहाँ, करे तो करे क्या, क्योंकि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर तो ठीक करेगा नहीं, ये तो ठीक करने की जिम्मेदारी तो बैंकों की है, और इस पर जो नज़र रखते हैं वो हैं आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नज़र रख ली, ठीक है क्या रखी, लोगों को तो नुकसान हो ही रहा है। ऐसे ही अगर आप दूसरे बैंकों को भी देखेंगे तो उसमें भी इशूज़ आते हैं, आप नेट बैंकिंग करने जाएं, उसको लॉगिन करने जाएं, तो उसमें इस तरह के इशूज़ आते हैं। अच्छा दोस्तों आपको बता दें इन सब चीज़ों को जो इशूज़ आते हैं इनको आउटरेज बोलते हैं, ये एक वर्ड है आउटरेज, कोई आपको बोले आउटरेज क्या है तो आप समझ सकते हैं इस तरह की कोई भी चीज़ होती है आउटरेज होती है। अब दोस्तों एक चीज़ और है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या ये काम अच्छा किया, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर उनके लिए क्यों नहीं सोल्यूशन लेकर आए? नए कस्टमर नहीं बनाने वो तो समझ में आता है कि चलो नहीं बनाने, क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करना वो भी समझ में आता है, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर क्या करे, उसका सोल्यूशन नहीं दिया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि उनको भी कुछ अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, इनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, इनका जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा, जो अभी करेक्टिव एक्शन आरबीआई ने बोले हैं वो कम्प्लीटली ये अच्छे से पूरा करेंगे, और इनका ये जो लिफ्ट लगा है कोटक महिंद्रा बैंक का ये हट जाएगा, और कहीं ना कहीं दोबारा विश्वास आएगा कस्टमर्स को, जो अभी कहीं ना कहीं उनका विश्वास सेक कर गया है, उनका कॉन्फिडेंस अब उतना नहीं आएगा कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, क्योंकि इनका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जब कमज़ोर है तो किसी को भी डर लगेगा कि आज ये लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही, कल को हो सकता है हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाएं या किसी और तरह का फ्रॉड हो जाए, कुछ भी हो जाए तो डर लगता है। तो ये आरबीआई को ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ओके है, तो हमें देखना पड़ेगा कि इनके ऊपर से बैन कब लिफ्ट होते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों इस पे जुड़ी हुई कोई और डेवलपमेंट अगर आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।